एक रात का अंधेरा था, जैसे ही चांदनी रोशन थी वो छुप जाता। पवन शोर से गुजर रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। एक अद्भुत भूतिया घर के पास एक पुरानी हवेली में एक छोटे गांव में एक आत्मा बस रही थी। निखिल एक नौजवान लड़का उस रात घर लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उसकी साइकिल की चेन सीटी की आवाज में डूबी हुई थी, पर वो किसी डर से नहीं हट रहा था, क्योंकि उसने सोचा डर तो सिर्फ कहानियों में होता है। थोड़ी देर के बाद निखिल ने एक पुरानी हवेली को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी चिंगारी सी जागी। उसने सोचा क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए, शायद वहां कुछ अनजान रहस्य छिपा हो। हवेली के दरवाजे खुलने से पहले एक आहट सुनाई दी। निखिल का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सच में भूतिया घर है? उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, जैसे कोई छुपी हुई कहानी को राज रख रहा हो। एक पाल के लिए निखिल को लगा जैसे कोई उसके पीछे है। उसने धीरे से पलट कर देखा, पर कुछ नहीं था। फिर से वो आवाज सुनाई दी, फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। निखिल के सर पर चांदनी की रोशनी गिरी, जैसे अंधेरा भाग गया हो। उसने घूमते हुए देखा, एक औरत के आखिरी सांस लुटे जाने की आवाज आई। उसने उसकी दिशा में देखा, पर कुछ नहीं दिखा। तभी एक हाथ निखिल के कंधे पर पड़ा। उसने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। वो भागते हुए बाहर निकला, पर आंखों के सामने वो औरत का भयानक चेहरा चिपक गया था। निखिल ने अपने घर को दौड़ते हुए पहुंचा, पर उसने देखा उसकी माँ का रूप बादल चुका था। वो अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराई। निखिल को समझ नहीं आया क्या हुआ, क्या वो हवेली में जो देखा सच था या सपना। ये था गहरा अंधेरा का रहस्यमय अनोखा सफर।